हमारे साथ है म्यूजिकल वंडर बेंजी और उनकी मदर भी है। उनसे हम जानना चाहेंगे कि बेंजी की शुरुआत थी, पूरी करियर कैसे हुई। सबसे मैम थैंक यू टेन्यू से बात करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये म्यूजिकल सफ़र बेंजी का था, वो कैसे शुरुआत हुई? जब बेंजी बहुत छोटी थी तो हमने मार्क किया कि और बच्चों की तरह रिएक्ट नहीं कर रही है। फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ, ये नॉर्मल चाइल्ड नहीं रहेगी और इसके आपको लाइफ लॉन्ग काम करना पड़ेगा। तो फिर हमने देखा कि बेंजी जो है वो म्यूजिक से, म्यूजिकल टॉय से रिएक्ट किया, आप सब लोगों का तो बहुत हमने फिर उसको उसके डेली रूटीन में म्यूजिक जोड़ दिया। और धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे, मतलब हमें 10-15 साल लग गए, लेकिन इसने रिस्पॉन्स किया और आज आपके सामने बेंजी 3 नेशनल अवार्ड विनर, 2 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है। बेंजी कहीं ना कहीं एक स्पेशल चाइल्ड है, क्योंकि हर किसी जो नॉर्मल होता है उसमें इतनी, क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते लाइफ में। आपसे जानना चाहिए किस तरह के गाने बेंजी गाना पसंद करती है, किस तरह के म्यूजिक उसका टेस्ट? बेंजी जो है वो लता जी और आशा जी के गाने को ज़्यादा पसंद करती है और ये खुद म्यूजिक भी कंपोज करती है, कीबोर्ड वगैरह बना लेती है, बजा लेती है खुद। आज जो प्रोग्राम में आए हैं, आज परफॉर्मेंस है बेंजी? आज बेंजी परफॉर्म करेगी लता जी के गाने को भोर भय पनघट पे, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का।